तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि यहाँ पे सीधी भर्ती आई है, इसमें कोई भी एग्जाम वगैरह नहीं होने वाली है। और किस ब्लॉक में सीट है खाली और किस पंचायत में, वो भी आपको बताने वाला हूँ। जो कि आपको बता दें कि बिहार जिला वाइज राशन डीलर बहाली का यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन शुरू हुआ है। अंतिम तिथि की बात करते हैं तो ऑनलाइन आवेदन की करने की अंतिम तिथि हो गया 10/7/2021, तो जल्दी करें। यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करो तो सिर्फ यहाँ पे 10वीं पास हुई तो इसको अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले भी मैं आपको इस वीडियो बनाया था लगभग 3 सप्ताह पहले, यानी कि 21-22 दिन पहले, तो उसमें मैं आपको बताया था बक्सर ज़िले को लेकर, इस भर्ती को लेकर बताया था। तो कुछ फ्रेंड यहाँ पे कमेंट कर रहे थे कि आप अपने अपने ज़िले का नाम बता रहे थे कि फना ज़िले का कब है, फना ज़िला का कब है। तो यहाँ पे एक और ज़िले की भर्ती यहाँ पे आ गई है, तो इसको भर्ती को लेकर मैं आपको बताने वाला हूँ पूरे प्रोसेस। और आपको बता दें कि आप कौन से ज़िले से हैं, वो भी आप कमेंट कर दीजिए कि बिहार के कौन से ज़िले से आप हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा नोटिफिकेशन जो कि यहाँ पे जारी किया गया है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि बताया गया कि कार्यालय अनुमंडल पदाधिकारी दानापुर और यहाँ पे बिहार सरकार, प्रेस विज्ञप्ति 01/2021। तो इसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स में यहाँ पे बताया गया है, जो कि यहाँ पे आवेदन के बारे में बताया है, जमा करने की जो कार्य फॉर्म हो गया वो बताया गया है। यहाँ पे आपको उम्र वगैरह यहाँ पे बताया गया है, और भी यहाँ पे बताया गया है कि आवेदन पत्र के साथ कागजात क्या क्या संलग्न करना है, वही चयन प्रक्रिया बताया गया है। और यहाँ पे आवेदन प्राप्त करने की जो अंतिम तिथि वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि 10/7/2021 यहाँ पे बताया गया है, जो कि यहाँ पे और भी चीज़ यहाँ पे बताया, जैसे कि आपको फॉर्म फी क्या लग रहा है। और ये रहा फाइनली यहाँ पे किस पंचायत में और किस प्रखंड में कितना यहाँ पे सीट है, कहाँ कहाँ पे सीट खाली है, वो यहाँ पे बताया गया है। जो कि यहाँ पे आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट भी है जहाँ पे आप विजिट कर सकते हो, जो कि state.bihar.gov.in/PRDBihar पर यहाँ पे देखा जा सकता है। यहाँ पे बताया गया है कि विस्तृत जानकारी यानी कि विशेष जानकारी के लिए, तो ये सारे यहाँ पे प्रखंड है जो कि यहाँ पे बताया गया है, जो कि जहाँ से कि यहाँ पे देख सकते हो कि ये प्रखंड का नाम दिया गया है और ये पंचायत का नाम दिया गया है और यहाँ पे वार्ड का नाम दिया गया है, किस वार्ड में सीट है। और यहाँ पे जो जनवितरण प्रणाली के लिए जो यहाँ पे बताया गया है, रिक्त किस पंचायत में कितना कितना, वो भी यहाँ पे बताया गया है। तो फाइनली मैं आपको बता दूँ तो कि साफ साफ यहाँ पे लिखा गया कि फॉर्म फी के बारे में, तो आवेदकों को यहाँ पे 1,000 रुपये यहाँ को जो रह गया ट्रेजरी चलान के माध्यम से अनुगप्ति शुल्क जमा करने के उपरांत यहाँ पे संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी जो होता है वहाँ पे आपको बताया गया है कि निर्गत की जाएगी। और भी यहाँ पे बताया गया आवेदन पत्र जो प्राप्ति की अंतिम तिथि हो गया 10/7/2021 5 बजे तक, जो कि आपको बता दें कि अनुमंडल कार्यालय में दानापुर में आपको ये जमा करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे बताया गया है। और आपको यहाँ बता दें कि इसमें सीट वगैरह जो हो गया दानापुर यहाँ पे प्रखंड का नाम दिया गया है और यहाँ पे ये पंचायत है जो कि सॉरी यहाँ पे जो होता है ग्रामीण क्षेत्र में नगर पंचायत और सॉरी क्षेत्र में नगर निकाय कहा जाता है और ग्रामीण क्षेत्र में वही पंचायत कहा जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि ग्राम पंचायत और नगर निकाय का नाम यहाँ पे बताया गया है कि नगर परिषद दानापुर और भी यहाँ पे परिषद दानापुर बताया गया है। पटना नगर निगम में भी यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे एक एक सीट यहाँ पे बताया गया है। तो इससे पहले भी यहाँ पे वैकेंसी आई थी पटना में लगभग 5-6 महीना पहले के आसपास में, उतना अभी कुछ महीना पहले यहाँ पे आई थी, जो कि यहाँ पे अनुमंडल पदाधिकारी पटना सदर में यहाँ पे आई हुई थी, जो कि इसका जो प्रेस विज्ञप्ति संख्या था यहाँ पे 02/2021 था। और ये नई भर्ती है, इसका जो विज्ञप्ति संख्या 01/2021 है, जो कि यहाँ पे नई जॉब है। तो फ्रेंड्स ये जो भर्ती जो है आपको बता दें यहाँ पे दानापुर में है, जो कि पटना में पड़ता है, वहाँ पे भर्ती आई। आप किस ज़िले से आप कमेंट कर सकते हैं, जो लोग भी यहाँ पे दानापुर के हैं वो लोग यहाँ पे अपने अनुमंडल कार्यालय में यहाँ पे जाके विशेष जानकारी यहाँ पे पता कर सकते हैं, जो कि वहाँ पे बता दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक एंड यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे में जॉब से रिलेटेड पल पल की खबर लेके आता रहता हूँ। थैंक यू, बाय बाय एंड लव यू ऑल।